जहां तक हठ योग का अभिप्राय है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं हठ माने जबरदस्ती का योग है, ऐसा तो शास्त्र का अभिप्राय भी नहीं है। कि जो ऐसा बोलते हैं वो बालक बुद्धि है, ये एक ही है। क्योंकि किसी भी हम कार्य का निष्पादन करते हैं ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, कर्म पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक ही उसका निष्पादन होता है। और इसमें जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो ऊर्जा को हठ योग कहा है। तो हठ योग हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में योग की योग्यता लाने के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद में सारे योग, जैसे ही आप इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलते हैं, तो मैं तो इनमें भिन्नता नहीं देखता, इनमें समन्वय देखता हूँ ऐसा ही। और ऐसे अभ्यास भी करता हूँ कि किसी भी कार्य को करना है तो उस कार्य को करने का सामर्थ्य हठ योग से मिलेगा, उसका विवेक जो है ज्ञान योग से मिलेगा, उसकी निष्ठा जो है हमें भक्ति योग से मिलेगी, और उसको करने का जो पुरुषार्थ है वो हमें कर्मयोग से मिलेगा। तो हेड, हार्ट और हैंड तीनों मिलेंगे तभी योग संपन्न होगा। बिल्कुल यही है, ये सरल भाषा आपने बहुत अच्छा बताया। ये सब एक ही योग के अलग अलग रूप है। जैसे हम एक कुर्सी की चार पहिया है, एक पांव, एक पहिया को हम खींचते हैं तो बाकी तीनों साथ में आ जाते हैं। ऐसे जो हठ योग करते हैं उनमें कर्म योग की पूरी जोश रहते है। जैसे आप हठ योग करते कर्म योग जो भी कर्म लेते हैं उसमें पूरा जोर लगाते हैं। और जब ये करते हैं भक्ति के बिना होता नहीं, भक्ति माने लगाव, पसंद करना भक्ति है, जानना ज्ञान योग है, और कर्म योग तो उसको कार्यान्वित करना है। एक सरल उदाहरण मैं ये कहूंगा, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, मान लो गुलाब जामुन क्या है बिना जाने पसंद कैसे करोगे? जानना ज्ञान हो गया, पसंद करना भक्ति हुई, और जाना और पसंद किया और चुप बैठोगे क्या? फिर उसके लिए जो काम करना है वो हठ योग है, जाके कर्म करोगे, वो बनाओगे, दूध को लेके करोगे, या जहाँ मिलता है वहां दौड़ोगे, जाके खरीदोगे, खाओगे। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। हाँ, कह सकते हैं किसी किसी को कोई कोई एक फ्लेवर पसंद है, मगर एक उनकी अभिरुचि ज्ञान में ज्यादा है या कर्म में ज्यादा है, मगर वो बाकी चीज को छोड़ के नहीं चल पाए, वो असंभव ही नहीं। इसलिए एक किसी की सिद्धि हो ना, सब की सिद्धि हो जाती है साथ में।